नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आगरा की आलू मंडी में। और यहां आज आपको सभी प्रजातियों के आलू के भाव मिलने वाले हैं, लेकिन निवेदन यही करूंगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगरा की आलू मंडी से सिर्फ सोनू चौधरी ही आपको आलू के भाव बताता है और वो भी ओरिजिनलिटी के साथ। तो मैं आपको सबसे पहले आपको प्रजाति दिखा देता हूँ। जो प्रजाति है यहाँ पर आपको 302 ख्याति, पुखराज और सुपर 6, G7, ये सारी प्रजातियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो चाचा जी भी मौजूद हैं जो आर्थ वाले हैं, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ कौन सी प्रजाति का आलू क्या रेट चला है। सबसे पहले चाचा जी आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। 37-97, 11.5 रुपये। नहीं रुकिए, मेरे सुन लीजिए, कौन कौन सी आज कितनी प्रजातियों की आवक हुई है? कम से कम आपके यहाँ 10,000 की आवक है। 10,000 पैकेट की? हाँ 10,000। ये कितने कौन कौन कितने प्रजाति का आलू है ये? ये 37-97 है, पुखराज है 37, और क्या नाम है तुम्हारा, ख्याति है, पुखराज है 302 है, बन डबल बन सेक्टर है, स्पेशल बन भी है, स्पेशल बन है और G4 भी दिखाई दे रहा है। G4 अभी है, G4 तो आज ही आया है, आज ही आया है। और ये सूर्या भी है? सूर्या भी है। और ये बताइए, पहले मैं बात कर लेता हूँ सूर्या की, क्या रेट चल रहा है? सूर्या चल रहा है 700 रुपये। 700 रुपये पैकेट? पैकेट पैकेट पैकेट। ऐसा क्या कारण है सूर्या 700 सुपर है ये सबसे? और डबल डबल S1 जो आप बता रहे हैं ये का था आपका बिका है 650-650 रुपये पैकेट। पैकेट और G4? G4 भी यही रेट बिका है 700 रुपये। ये ज़्यादातर G4 जो इलाहाबाद साइड में होता है? हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। पहली बार आया है? पहली बार आया है। जो आपका कुफरी आनंद है जो आप नीचे है, ये 10.5 रुपये? 10.5 रुपये। और ये पीछे जो 37-97? ये 37-97 11.5 रुपये किलो बिका है। 11.5 रुपये, यानी 550 रुपये पैकेट। हाँ जी। और अगर देखा जाए तो देखिए किसान साथी, मैं दिखा दूँ कुफरी मोहन क्या रेट चला है। ये एक ही रेट चल रहे हैं सारे कुफरी मोहन? हाँ जी, ये 650 रुपये पैकेट है। पैकेट का ही चल रहा है? पैकेट का। और अगर देखा जाए तो ये भी आपका सुपर 6 जिसे आप 302 बोलते हैं, ये एक ही रेट चल रहा है बाबू जी, ये कम नहीं चल रहा है। कम नहीं चल रहा है तो इस समय आलू का अच्छा भाव चल रहा है? अच्छा भाव चल रहा है। तो मुझे तो आप पहली बार आपकी आलू आढ़त पे आके अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर कई प्रजातियों के आलू हैं जो किसान भाव पूछना चाहता है। हालांकि हॉलैंड और LR नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, इस मंडी में नहीं चलता है LR हॉलैंड नहीं चलता, बाकी यहाँ पर हाइब्रिड पूरा बिकता है। हाइब्रिड का तो कोई वो ही नहीं है, वो तो किसी रेट में। हाँ किसी रेट में। तो इस समय इसके अलग अगर देखा जाए तो क्या आगे लग रहा है, क्या आगे आलू के दाम बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? आलू के दाम यही स्तर रहेंगे, इसी स्तर पर रहेंगे। आगे जाके क्या लग रहा है? आगे तो मद्दा के दाम कई लोग जो है इस तरीके से बात कर रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज से 800 रुपये पैकेट का आलू वो क्या खुलेगा, कोल्ड स्टोरेज जब खुलेंगे तो 800 रुपये पैकेट बिकेगा, क्या लग रहा है? हाँ ये तो उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है। हाँ तो जो इस समय पे जो नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं, निर्यात पे भी उन्होंने एक बात रखी है, तो निर्यात का जो मार्केट पे असर कितने दिन बाद आता है? कम से कम 15 दिन के, एक महीने अभी इन्होंने कहा है। कहा है तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, कहते कहा है तो कहा है उन्होंने, तो अभी मतलब जो कागजी कार्रवाई वो पूरी नहीं है? नहीं अभी कार्रवाई, केवल घोषणा ही घोषणा घोषणा है, उसका कोई अभी जमीनी हवाई द्वार हवाई फायर है, हवाई फायर है, तो लग नहीं रहा है कि हो पाएगा। हाँ हो पाएगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर आलू की स्थिति, आलू की ये बिकेगा फिर 500 से 600 रुपये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हाँ जी, अभी जो रेट चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, निकालना चाहिए। देखिए आलू का नस्ल रहेगी चिप्सोना, जो आपका देखिए लास्ट में पड़ा हुआ चिप्सोना 1 जो आपका बदायूं और इधर साइड में होता है, क्या रेट चल रहा है? ये 750 रुपये पैकेट। 750, यानी सूर्या और चिप्सोना एक ही, हाँ एक ही रेट है। चिप्सोना और सूर्या का क्या क्वालिटी क्या होती है? ये खाने का अलग अलग टेस्ट होता है, और क्या है इनका अच्छा रेट चल रहा है? हाँ अच्छा रेट चल रहा है। बाकी नॉर्मल चिप्सोना है ये वो क्या है? नॉर्मल नहीं होता चिप्सोना, चिप्सोना होता चिप्सोना 1 का तो आपने बता दिया, ये बदायूं बिलसी का चिप्सोना, ये संबल हो या चंदौसी हो ये सारे एक ही रेट रहते हैं, ये तो एक ही रेट का है। हाँ। और ये आगरा वाला चिप्सोना है? आगरा के 50 रुपये डाउन रहता है, यानी कि वो ऐसे देखा जाए तो 650-700। हाँ जी। तो इनमें रेटों में कुछ अंतर आएगा चिप्सोना के? ये 37 ये जो भाव चलेगा इनसे का तो 50 रुपये, ये टूटेगा तो ये भी 50 रुपये टूटेगा। कुल मिला के सूर्या हो चिप्सोना हो या चिप्सोना बने, इसके रेट अच्छे चले हैं आगरा की मंडी में। तो किसान साथियों ये थे मेरे साथ में आगरा की आलू मंडी से समस्त प्रजातियों के आलू के भाव। अगर देख एक बात और पूछ लेते हैं, क्या आवक कितनी हुई है आज? 10,000 पैकेट होगी आवक। कल का?
कल का अब तो पता नहीं कितना कल मंडी में हुआ है, 20,000 थी, 20 गाड़ियों पर 30 गाड़ी। हाँ, आगे पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। मैं किसानों से हमेशा ये निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आगरा की आलू की मंडी में जिस आड़त पर मैं आज आया हूँ, कई किसान बोले थे रोजाना आलू के भाव दिखाई अलग अलग आड़त, तो मैं उन किसानों को बता दूँ रोजाना अलग अलग आड़त से भाव दिखाए जाते हैं। एक आड़त के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ाया जाता है कि मैं इनका ही पकड़ लूँ, कल भी इनका दिखाऊँ, परसों भी इनका दिखाऊँ, ऐसे बेवकूफ़ किस्म के लोग करते हैं। मेरा काम होता है आप लोगों को रोजाना अलग अलग आड़त से आलू के भाव दिखाना, कौन सी आड़त पर कौन सा आलू किस रेट पर बिक रहा है। तो धन्यवाद किसान साथियों, कैसी लगी वीडियो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। अगर आप भी चाहते हैं किसी आड़त से वीडियो दिखवाना कि इस आड़त से हमें आलू की वीडियो दिखाइए क्या रेट चला है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में उस आड़त का नाम और मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा। तो यही था मेरे साथ में आगरा की आलू मंडी से, वीडियो कैसी लगी वीडियो को जरूर शेयर करना। धन्यवाद किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो।